वीडियो लेके आए हैं एक एडवर्ब क्लॉज के टाइप की। तो हमने आपके साथ कल चार वीडियो डिस्कस किए थे जिसमें हमने आपके साथ रिलेटिव क्लॉज, हु विच दैट हुम और एडवर्ब क्लॉज के दो यूज, नो सूनर डॉट डॉट देन और अनलेस अनलेस, है ना, इन दोनों को हमने आपके साथ यूज किया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टू डॉट डॉट टू, इन दोनों का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि इसका यूज करते समय या तो आपको इस तरीके से दो सेंटेंस दिए गए होंगे, है ना, दो सेंटेंस, जैसे यहां भी दो हैं, इस तरीके से या तो आपको दो वाक्य दिए गए होंगे या कंप्लीटली एक पूरा वाक्य दिया गया होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब जो दो वाक्य दिए गए होंगे उनमें किसी एक में वेरी लगा होगा, यहां भी दो वाक्य हैं, तो यहां कभी कभी वो क्या करते हैं, वेरी को हाइड कर देते हैं, लेकिन है वही कि फैन बहुत हाई है कि मैं उसको छू नहीं सकता, है ना, तो वेरी होगा या वेरी को हाइड कर देंगे, या फिर कंप्लीटली एक सेकेंड एक सेंटेंस होगा जिसमें दिया गया होगा सो और दैट, सो और दैट, सो और दैट। अब समझिए, पहले हम इनको देखते हैं वेरी वाले सेंटेंसेस को, भी इनमें टू डॉट डॉट टू का यूज कैसे करना है। तो समझिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा ही, फिर हमने लिखा इज, अब वेरी की जगह लगाएंगे टू, टी डबल ओ, उसके बाद लिखेंगे लेजी, उसके बाद कॉमा, अब कॉमा की जगह प्लेस करेंगे टू को, किसको, टू को, तो वेरी की जगह टू, कॉमा की जगह टू। अब टू के बाद देखिए, आपने एक चीज सुनी होगी कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो अब यहां टू के बाद चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आगे देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो प्रोनाउन है, ये कैन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये तो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, नॉट या एक नेगेटिव एडजेक्टिव है, कंप्लीट एक मेन वर्ब है ना, कंप्लीट एक मेन वर्ब है जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू के बाद चाहिए हमको क्या, भी वन, इन्फिनिटिव बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को और कैन नॉट को हटा देंगे और टू के बाद भी वन क्या लगा देंगे, कंप्लीट, क्या लगा देंगे, कंप्लीट हिज होमवर्क। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे, इसी तरीके से इसको बनाओ, द फैन इज, वेरी को हाइड किया है, वेरी की जगह क्या लगता है, टी डबल ओ, द फैन इज टू हाई, और उसके बाद कॉमा को हटा के टू, और टू के बाद क्या आता है, भी वन, क्या आई भी वन है, नहीं, क्या कैन भी वन है, नहीं, क्या नॉट भी वन है, नहीं, भी वन क्या है, टच, तो क्या लिख देंगे, टू टच। लेकिन समझिए, चलो ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूं, है ना, अभी आप इतना ही लिखिए, ओके। अब देखिए आप ऐसे वाक्यों को जिनमें सो दैट रहता है, तो अच्छा ये दोनों आपको इजी है, वेरी को हटा के टू, कॉमा को हटा के टू, और टू के बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेंटेंस लिख दिया, सेम यहां किया। अब इनको देखिए, सो डॉट 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 वाले को, इसमें क्या किया, ही लिखा, इज लिखा, सो को हटाकर टी डबल ओ लिखा, टू, उसके बाद वीक लिखा, दैट के बाद टू लिखा। लेकिन आपको हमेशा एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि फर्स्ट वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, जैसे यहां सेम है, यहां ही, और यहां दूसरे वाले सेकंड का ही, ये भी सेम है, यहां हॉर्स जो कि इंग्लिश में नॉन लिविंग माना गया है और उसकी जगह ये क्या लगाया गया, इट, तो ये सब्जेक्ट भी सेम है, और यहां एप्पल, एप्पल भी नॉन लिविंग है तो इसके लिए क्या लगाया, इट। लेकिन आप ये देखो कि फैन वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा क्या है, आई, ये नॉन लिविंग है और ये आई दिया हुआ है, तो याद रखो जिनका सब्जेक्ट सेम है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो को हटा के टू, दैट को हटा के टू, उसके बाद क्या चाहिए, भी वन, तो ही भी वन नहीं है, कैन भी वन नहीं है, नॉट भी वन नहीं है, भी वन क्या है, स्टैंड, तो हमने लिख दिया स्टैंड।
सेम हियर, दिस का दिस, उसके बाद हॉर्स, इज, सो की जगह क्या लिखोगे टू, उसके बाद क्या लिखोगे फास्ट, दैट की जगह क्या लिखोगे टू, क्योंकि यहां सब्जेक्ट सेम है, यहां हॉर्स है, यहां इट है, तो टू लिख दिया। टू के बाद इट नहीं लगाओगे, टू के बाद कैन नहीं लगाओगे, टू के बाद चाहिए बर्फ की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने क्या लिख दिया विन द रेस, राइट। अब देखिए यहां लिखा अपन ने द एप्पल, द एप्पल इज, सो की जगह लगाया टू, साउर का साउर, दैट की जगह लगाया टू, टू के बाद भी वन चाहिए, ये भी वन नहीं है, ये भी वन नहीं है, ये भी वन नहीं है, बी याद रखना बर्फ की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमने टू के बाद सीधा क्या लगा दिया टू बी ईटन, राइट। अब इसको देखिए जिस सेंटेंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग सब्जेक्ट अलग और कॉमा के बाद सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हो, जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है, तब फिर क्या करते हैं, तो इससे ज्यादा बेटर तरीका है जो हमने यहां लिखा था, कि आपको क्या करना है, आपको इस आई को, आप देखो मैंने यहां कॉमा हटा के टू लगाया, लगाया था कॉमा हटा के टू, और टू के बाद मैंने क्या लिखा था टच, वी वन लिखा था, टू के बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी टच, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो आपको एक चेंज करना है, और वो चेंज ये है कि टू लगाने से पहले आप फॉर लगाएंगे, और उस जो सब्जेक्ट याद दिया होगा उसका ऑब्जेक्ट केस लिखेंगे। अब एकदम सही है कि फैन उतना हाई है मेरे लिए कि मैं टच भी नहीं कर सकता, तो याद रखो अगर यहां शी होता तो हम लिख देते फॉर हर, अगर यहां ही होता तो हम लिख देते फॉर हिम। तो याद रखो जिन सेंटेंस में स्टार्टिंग सब्जेक्ट और सेकेंड सब्जेक्ट अलग अलग हो, उनमें टू लगाने से पहले हम फॉर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट केस लिखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको मैंने क्या किया, वेरी या सो, इनकी जगह क्या लगाया मैंने टी डबल ओ, उसके बाद दैट और कॉमा की जगह क्या लगाया टू टी ओ, लेकिन अब टू के बाद क्या किया सीधा भी वन लिखा, जहां भी वन मिली उसको लिख दिया, लेकिन जिसका सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग था उनमें टू लगाने से पहले क्या लगाया फॉर मी। अच्छा, तो आपको ये वीडियो एकदम समझ में आ गई होगी, अगर आपका इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई फिर भी डाउट है तो आप उस डाउट को एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है ना। अगली वीडियो हम आपके साथ लेके आते हैं, इसमें आपने देखा कि आपने सो दैट की जगह क्या लगाया था टू टू, अगली वीडियो में आप टू टू की जगह लगाएंगे सो दैट का यूज, है ना। चलो धन्यवाद, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।